उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शासन की ओर से प्रदेश के 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें बलिया जिले में तैनात इंद्र विक्रम सिंह को अलीगढ़ में जिलाधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं बस्ती जिले की जिलाधिकारी रही सोम्या अग्रवाल को बलिया जिले में नई तैनाती मिली है। आईएएस सोम्या अग्रवाल बस्ती जिले से पहले वह कानपुर में उप जिलाधिकारी के पद पर थी, फिर महाराजगंज में मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी के पद पर आसीन थी और उन्नाव में भी डीएम रहीं। और एक बार फिर से उनकी तैनाती कानपुर में केस्को में बतौर एमडी के तौर पर हुई। आपको बता दें, उनकी प्राथमिक शिक्षा नवाबों के शहर लखनऊ में पूरी हुई। पिता ज्ञानचंद्र अग्रवाल रेलवे में सिविल इंजीनियर थे। उनका परिवार आलमबाग की रेलवे कॉलोनी में निवास करता था। बचपन में पढ़ाई के दौरान वह हमेशा साइकिल से स्कूल जाना पसंद करती थी। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से इंटरमीडिएट पास करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। बाद में दिल्ली में ही वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई और वर्ष 2004 में पुणे की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ दिन पुणे में रहने के बाद कंपनी ने लंदन भेज दिया। लंदन में हमेशा अपने देश की याद सताती रही। दो वर्ष की नौकरी करने के बाद पिता से ही पूछ लिया कि भारत में सबसे उच्च स्तर की नौकरी कौन सी है, तो उनके पिता ने आईएएस का जिक्र किया। सोम्या ने उसी वक्त ठान लिया कि आईएएस बनना है। उन्होंने पिता को आश्वस्त किया और वर्ष 2006 में नौकरी छोड़कर भारत लौट आईं। लखनऊ में ही सोम्या ने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले 3 महीने दिल्ली के बाजीराव संस्थान में कोचिंग भी की थी। देखते ही देखते एक वर्ष की कड़ी मेहनत से पहली बार में ही यूपीएससी का इम्तिहान को समेट कर रख दिया। परीक्षा के परिणाम की सूची में 24वें नंबर पर उनका नाम था और वर्ष 2008 में नव नियुक्त आईएएस सोम्या अग्रवाल ने कानपुर में एसडीएम का कार्यभार संभाल लिया और अब वह बलिया जिले के जिलाधिकारी के तौर पर तैनात की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी 60 न्यूज़।